सो है गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस पहली बार अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रहा है तो गाइस उसके लिए सॉरी। एक्चुअली बाहर बारिश लगी हुई है, लेकिन गाइस एक न्यू अपडेट्स आया हुआ है, उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस जो बाहर साउंड्स आ रही है उसको बैकग्राउंड में, उसको इग्नोर करके इस वीडियो के ऊपर पूरा देखना। सो गाइस आपने वीडियो का टाइटल थंबनेल देख ही लिया कि Realme C2 में एक नया अपडेट आया हुआ है, जो कि कलर ओएस 6.0.1 में था, जो 3-4 दिन पहले Realme 3 Pro को मिला था। गाइस क्या क्या चेंजेस हुए हैं पूरी बात इस वीडियो में करेंगे, क्या आपको देखने को नया मिलता है, बहुत सारे फीचर्स गाइस आपको देखने को मिले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि गाइस डेली आपको ऐसी वीडियो देखने को मिल जाती है और लिंक गाइस आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चले गाइस बिना रुके करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस Realme 3 Pro में ये अपडेट आ चुका है, उसी के बाद गाइस 2-3 दिन जैसे बीत गए, उसके बाद Realme C2 जो कि लॉन्च हुआ था उसके बाद आ चुका है। तो गाइस आपको बता दूं Realme C2 में भी आ गया, लेकिन गाइस अब Realme के जो 2 Pro है उसमें ही आना रह चुका है। तो गाइस Realme के 3 हो सकता है या 3i या Realme 2 Pro, अब इन 3 डिवाइस में से एक की बारी है। सो गाइस आपको इस वीडियो में बताऊंगा पूरा चेंज लॉग क्या था, क्या आपको नया देखने को मिला Realme C2 में, क्या अपडेट आपको करने लायक है कि नहीं। तो पहली बात गाइस का जो आपको वर्जन मिलता है आपको पूरा चेक करवा दूं, वर्जन आपको गाइस कौन सा मिलता है। सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे जो वर्जन आपको देखने को मिलता है RMX 1941EX 11.8.17 का। तो गाइस इतने दिनों से जो Realme C2 है वो B.15 के ऊपर रन कर रहा था, लेकिन गाइस अब आपको 8.17 का अपडेट देखने को मिल चुका है। गाइस के चैनलों की बात करें तो गाइस आपको इमेजेस भी आम दिख रही होगी। सिक्योरिटी में गाइस आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल सितंबर महीने का देखने को मिल जाता है। सिस्टम में गाइस आपको एड द मैनुअल लॉक फीचर्स बाय लॉन्ग प्रेस द पावर बटन। गाइस आपको लॉन्ग प्रेस द पावर बटन जैसा कि आपको Realme 3 Pro में मिला था, लॉन्ग प्रेस करके आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। मैनुअली लिमिट द नेटवर्क स्पीड ऑफ हॉटस्पॉट। तो गाइस अब आप और अपना जो हॉटस्पॉट है उसको शेयर करते थे तो आप गाइस उसके नेटवर्क के ऊपर जो डाटा MB है उसको गाइस आप लिमिट नहीं रख सकते, तो गाइस आप नहीं रख सकते थे, लेकिन गाइस अब आपको लिमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस आपको डिस्प्ले डाटा कंज्यूम्ड बाई हॉटस्पॉट कनेक्टेड डिवाइस। तो गाइस जिन भी जो भी डिवाइस आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट होंगे उन्होंने जितना डाटा कंज्यूम किया उसकी गाइस आपको रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा। अब गाइस कंज्यूम डाटा रिमाइंडर भी आपको देखने को मिल जाएगा, कस्टमाइजेबल होगा ये डाटा रिमाइंडर। इसमें आप गाइस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि गाइस आप इतना ही जो MB है डाटा है शेयर करेंगे। उसके बाद गाइस सेटिंग्स में आपको गूगल डिजिटल वेलबींग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो गाइस बहुत अच्छी बात है, Realme C2 में भी आपको डिजिटल वेलबींग का फीचर देखने को मिल चुका है। उसके बाद गाइस लॉन्चर में ऑप्टिमाइजिंग लॉक स्क्रीन एंड क्लॉक विजेट डिजाइन, इनको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया गया और डिजाइन को थोड़ा चेंजेस किया गया है। एडिट डेट एंड टाइम वेदर, गाइस आपको इनका विजिट मिल जाता है, डेट और टाइम और वेदर साथ में गाइस आपको विजिट देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमाइजिंग स्मार्ट असिस्टेंट इंटरफेस, जो कि Realme का स्मार्ट इंटरफेस असिस्टेंस है उसको भी ऑप्टिमाइज किया गया है। और गाइस नोटिफिकेशन पैनल एंड स्टेटस बार में गाइस रीडिजाइन द नोटिफिकेशन सेंटर स्टाइल, गाइस आपको नोटिफिकेशन सेंटर जो है उसको पूरा चेंज कर दिया गया है, जैसा आपको Realme 3 Pro या Realme के 5 Pro में देखने को मिलता है कलर ओएस 6.0.1 के अपडेट्स में। और गाइस आपको गैसेस मिल जाते हैं स्वैप लेफ्ट स्वैप राइट से, जो गैसेस थे आपको वो भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि MIUI में आपको देखने को मिलते थे। गाइस ये पूरा चेंज लॉग था, अगर आपको अपडेट आ चुका है तो प्लीज अपडेट कर लेना और कमेंट सेक्शन में बताना अपडेट करने के बाद आपके डिवाइसेस की परफॉर्मेंस बैटरी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो गाइस इस अपडेट को करने के बाद अब मैं थोड़ा बैटरी टेस्टिंग करूंगा कैसा रहा। तो गाइस जल्द एक बैटरी टेस्टिंग की और वीडियो आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक गाइस आपको अभी तक मेरे पास नहीं आया है ना ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आया है, लिंक गाइस इस वीडियो के नीचे मैं अपडेट कर दूंगा 2 दिनों में। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को बार बार देखते रहे। सो गाइस अब बात करते हैं डार्क मोड की। तो गाइस आपको मैंने पहले भी बताया था कि Realme XT में अभी तक डार्क मोड देखने को नहीं मिला, लेकिन गाइस आपको जल्द ही डार्क मोड देखने को मिलेगा। ये Realme के जो CEO है माधव सेठ जी, उन्होंने हमें कंफर्म करके बता दिया था कि इस मंथ जो हमारा मंथ है इसके एंड के जो नवंबर आएगा उसमें एंड में आपको देखने को डार्क मोड मिल जाएगा। तो प्लीज़ गाइस टेंशन लें, Realme 3 Pro, Realme XT, Realme C2 सभी में आपको डार्क मोड देखने को मिलेगा। चलिए गाइस बाय बाय, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।